हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिक्षक पटल पर। पेड़ों के विषय में रोचक जानकारियाँ जानते हैं। पेड़ दुनिया का सबसे पुराना लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पेड़ अपनी उम्र के कारण कभी नहीं मरता। किसी एक पेड़ का नाम लेना कठिन है, लेकिन तुलसी, पीपल, नीम और बरगद दूसरों के अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और शुद्ध भी। इस बरसात में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाइए, स्वयं भी जगिए और दूसरों को भी जगाइए। दुनिया का सबसे पुराना पेड़ स्वीडन के डलारना प्रांत में है। टिजिक नोम नाम का यह पेड़ 9,550 साल पुराना है। इसकी लंबाई 13 फीट है। पेड़ की जड़ें बहुत नीचे तक जा सकती हैं। दक्षिणी अफ्रीका में एक अंजीर के पेड़ की जड़ें 400 फीट नीचे तक पाई गई थी। इंसानों की तरह पेड़ों को भी कैंसर हो जाता है। कैंसर होने के बाद पेड़ ऑक्सीजन कम देने लगते हैं। दुनिया की 20% ऑक्सीजन अमेजन के जंगलों द्वारा पैदा की जाती है। ये जंगल 8,15,00,000 एकड़ में फैले हुए हैं। एक एकड़ में लगे हुए पेड़ एक साल में इतनी C2O सोख लेते हैं जितनी एक कार 41,000 किलोमीटर चलने पर छोड़ती है। पेड़ अपनी 10% खुराक मिट्टी से और 90% खुराक हवा से लेते हैं। एक पेड़ में एक वर्ष में 2,000 लीटर पानी धरती से चूसता है। एक पेड़ इतनी ठंड पैदा करता है जितनी एक एसी 10 कमरों में 20 घंटों तक चलने पर करता है। जो इलाका पेड़ों से घिरा रहता है वह दूसरे इलाकों की तुलना में 9 डिग्री तक ठंडा रहता है। पेड़ों की कतार धूल मिट्टी के स्तर को 75% तक कम कर देती है और उतना ही शोर भी कम करती है। दुनिया में हर इंसान के लिए 420 पेड़ बचे हैं, लेकिन भारत की बात करें तो सिर्फ 28 पेड़ बचे हैं। देशों की बात करें तो दुनिया में सबसे अधिक पेड़ रूस में हैं, फिर कनाडा में, फिर ब्राज़ील में, फिर अमेरिका में और भारत में तो सिर्फ 35 पेड़ बचे हैं। एक पेड़ दिन में इतनी ऑक्सीजन देता है कि कम से कम 3-4-5 आदमी तक जिंदा रह सकें। हर वर्ष 5 अरब पेड़ लगाए जा रहे हैं और हर वर्ष उससे भी अधिक 6-7 अरब पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ों के विषय में यह अद्भुत जानकारियां हैं। पेड़ हमें औषधियां देते हैं। पेड़ नेचुरल औषधियां हैं। किसी का स्वास्थ्य खराब हो, पेड़ की शुद्ध हवा ऑक्सीजन मिले तो वो जल्दी रिकवर करता है। पर्यावरण के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सच तो यह है कि हमारा सारा जीवन ही प्रकृति पर निर्भर और आश्रित है। कुछ काम हम घर बैठे भी बड़ी आसानी से पर्यावरण की रक्षा के लिए कर सकते हैं। जीवन में शाकाहार अपनाना, जल की बूंद बूंद का संचय करना, केवल जरूरत पड़ने पर विद्युत उपकरणों का प्रयोग करना, अन्न का दुरुपयोग करने से बचना, साथ ही साथ पॉलीथीन प्लास्टिक से निर्मित सामग्रियों का कम से कम उपयोग करना जैसे अनेक छोटे छोटे कार्य पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा की दिशा में एक सार्थक प्रयास और पहल होगी। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है। हम भी प्रत्येक वर्ष कम से कम एक वृक्ष लगाकर अपने दायित्वों को की पूर्ति करें। अपनी इस प्रकृति के श्रृंगार के लिए संकल्पित करना पड़ेगा। अति लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना प्रकृति के महाकोप का निमित्त बनना भी है। अपनी भावी पीढ़ियों को उबारने का संकल्प लेते हैं, आओ मिलकर इस धरा को संवारने का संकल्प लेते हैं। अगर जगह नहीं है आपके पास तो सामाजिक संस्थाएं जो पेड़ लगाती हैं उसमें सहयोग करें। अपने गली मोहल्ले पार्कों में सहयोग करें पेड़ लगाने में, और अपने घर में गमलों में पेड़ पौधे लगाएं। छोटी क्यारी हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और प्रकृति के संरक्षण में सहयोग। पंचतत्वों के संयोग से संभव हुए मानव जीवन और पर्यावरण का संबंध शाश्वत है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रकृति के प्रति अपनी अनिवार्य जिम्मेदारियों को प्राथमिकता के साथ अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प पर्व है। हमारी संस्कृति में शामिल प्रकृति प्रेम की परिकल्पना हमारे दैनिक जीवन में भी सदा परिलक्षित होती रहे। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापर शांति, ऋषधया शांति, वनस्पतया शांति,
शांति, विश्व दिव्य शांति, शांति ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति रेदी, ओम शांति शांति शांति। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।